ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। आप देखेंगे कल एक नई स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान की टीम आएगी और छा जाएगी और न्यूजीलैंड को आके इंशाल्लाह फाइनल में जाएगी। इंडिया की टीम भी काफ़ी मिच्योर है और आईसीसी का जो टैग है वो भी इंडियन टीम के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है। सो आई थिंक के पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा परफॉर्म करके कोई 2 आवर पहले इंडिया को फाइनल में हरा दे। अगर हम बन गए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फजल अब्बास। फजल, मुझे ये बताएं अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात करें, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान विन कर पाएगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तानी तो जीतना है, पाकिस्तान बना ही जीतने के लिए मेरी जान। मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पिछले मैचेस में काफ़ी ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस बैड जा रही थी, लेकिन अब कुछ मैचेस हुए हैं जिसमें ये फॉर्म में आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो है उनके छक्के छुड़ा सकेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। आप देखेंगे कल एक नई स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान की टीम आएगी और छा जाएगी और न्यूजीलैंड को आके इंशाल्लाह फाइनल में जाएगी। क्या लगता है जफा, इधर से अगर पाकिस्तान जीत जाए उधर से इंडिया, तो आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच फाइनल हो तो कौन जीतेगा? आपने जब तक जितनी भी बातें की है ना, सबसे अच्छी बात आपकी है, ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान इधर से जीतेगा और फिर हमारा टक्कर का मुकाबला होगा और इंशाल्लाह इस बार इतिहास बदल देंगे हम और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इस टाइम भी कप्तान हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं उतरे अभी तक, तो क्या लगता है आपको अब फाइनल में वो फॉर्म में उतरेंगे? वैसली वो पहले 4 मैच इसलिए तो खेले नहीं, उन्होंने अगले 2 खेलने थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी चैनल्स पे कि उन्होंने ओवेसली बड़ा प्लेयर बड़े मैच खेलता है, तो सेमीफाइनल और फाइनल में इंशाल्लाह छक्के छुड़वा देगा बाबर आजम तमाम टीमों के, चाहे वो इंग्लैंड आए या इंडिया आए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पांड्या हो गया, सूर्य कुमार यादव है, अगर विराट की बात करें, तीनों बहुत अच्छे और बहुत फॉर्म में रहते हैं हर टाइम, तो क्या कहेंगे क्या वो पाकिस्तान के लिए हावी नहीं हो सकते? बेटा मेरी बात सुनो, जो विराट कोहली है ना वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, मतलब वो ज़बरदस्त खेलता है, बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक टेक्निक के साथ शॉट लगाता है, चाहे उसे आप बॉल ऑफ पे फेंको, चाहे बॉल लेग पे फेंको, चाहे उसका ये बाउंसर हो, ज़बरदस्त बहुत अच्छा खेलता है, कवर ड्राइव शॉट ये वो, उसकी वो बॉल मतलब बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकता है, तो वो इंशाल्लाह मैच अच्छा देखने को मिलना चाहिए यार, चाहे जो भी प्लेयर चले। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान इंडिया की टीम के लिए, इनके जो प्लेयर्स चल रहे हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनके लिए? पाकिस्तानी टीम को मैं ये पैगाम दूंगा कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, और इंडिया को ये पैगाम दूंगा तुम हारो हमें तुमसे प्यार है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बख्तियार। बख्तियार मुझे ये बताएं कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, सेमीफाइनल है, तो क्या लग रहा है पाकिस्तान क्या जीत पाएगी? पाकिस्तान अच्छा खेल रही है आजकल, तो वैसे जीत जाएगी आई होप के। क्या 2 मैच खेलने से इंसान अच्छा खेल लेता है? वर्ल्ड कप तो नहीं जीतते ही है, चलो अच्छा खेलें, तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन करें थोड़ा सा, ठीक है, और साथ में क्या नाम लेते हैं, अब उम्मीदें तो लगाई हुई हैं, इन सब टीम भी है अपनी पाकिस्तान की, इंडिया के साथ होती तो मैं इनके खिलाफ ही होता, अब न्यूजीलैंड के साथ है तो चलो थोड़ा बहुत। लेकिन अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो जाए तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा? हार जाएगा। हार जाएगा पक्का। आई लव इंडिया। ओह थैंक यू, आपने इतने अच्छा, आप पहले बंदे मुझे मिले हैं जो इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम से हम ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकते कि वो जीते, क्योंकि वो सिर्फ 2-3 मैचेस के लिए होते हैं फॉर्म में, बाद में जब टीम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है फुल फॉर्म में रहते हैं वो, अगर हम बात करें पांड्या की तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं मेरी इंडियन टीम जो है पर्सनली बहुत फेवरेट टीम है और मुझे वही शो बहुत अच्छा है कि वही जीतेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी अभी देख लेना आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको देखना है, उम्मीदें लेके जाएंगे वो फिर भी हार जाएंगे। क्या पैगाम देंगे दोनों टीमों के लिए? विश यू ऑल द बेस्ट न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, तुम्हें भी यार जीत जाओ आई होप के, लेकिन फिर भी तुम किसी काबिल नहीं हो हमारे लिए, आई हेट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बॉबी बर्ड। बॉबी मुझे ये बताएं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का कल मैच है, तो क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल का मैच जीत जाएगा? आई थिंक पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए और चांस भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से एकदम पाकिस्तानी टीम ऐसे जादू की तरह नुमाया हो गई है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, सो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को हर सूरत में मैच जीतना चाहिए अगर कि अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस को बेहतर रखें, स्पेशली बाबर अगर कल परफॉर्म कर जाता है 50 कर जाता है ना, सो आई थिंक पाकिस्तान ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम ये जो मैचेस हम लोग जीते हैं उसकी वजह से बड़े गरूर में आगे, थोड़ा सा गरूर आ गया है, हालांकि इनकी वजह से तो कोई मैच जीते भी नहीं है हम, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए बाबर आजम बस थोड़ा सा ना जरा उसको पिचों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया की पिचों का, ये ज़्यादा उधर खेलने के आदि नहीं है, ये सारे ज़्यादा दुबई की पिचों में खेलने के आदि और होम टाउन ग्राउंड के ज़्यादा आदि हैं, सो आई थिंक अब तक इन्हें इतना हो गया हुआ है कि हम अपने सेमीफाइनल को थोड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, सो आई थिंक पाकिस्तान इंशाल्लाह मुझे लग रहा है तकरीबन 70% मैच पाकिस्तान के हाथ में जा रहा है।
क्या कहना चाहेंगे अगर पाकिस्तान इधर से जीत जाए और उधर से इंडिया जीत जाए तो दोनों का फाइनल हो, क्या लगता है कि कौन जीतेगा? देखिए पहली दफ़ा दिल कह रहा है कि बंदा इंडिया के लिए भी दुआ करे कि इंडिया भी जीते और पाकिस्तान भी जीते, दोनों टीमें जीतें सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर दोनों टीमें आए और दोनों टीमें जो फाइनल के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी और वो विन कर देगी। मुझे तकरीबन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हो सकता है इस दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप के करीब करीब तक जाए। क्या लगता है आपको कि ये दो तीन मैच जो है फॉर्म में आके खेलने से क्या हम इस दफा वर्ल्ड कप ले जाएंगे? आई थिंक बहुत 1900 इतनी साल हो गए हैं उस वर्ल्ड कप को जो इमरान खान लेके आए थे, सो आई थिंक मुझे लगता है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप लाने के अंदर कामयाब हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर मेच्योरिटी लेके आए। और इंडिया की टीम आगे अगर इनका फाइनल में जाता है तो इंडिया की टीम भी काफ़ी मेच्योर है और ICC का जो टैग है वो भी इंडियन टीम के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, सो आई थिंक कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा परफॉर्म करके कोई दो आवर पहले इंडिया को फाइनल में हरा दे। अगर हम बात करें इंडियन टीम की, सूर्या कुमार यादव, पांड्या और विराट की, ये तीनों इस टाइम फुल फॉर्म में हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या लगता नहीं आपको कि वो पाकिस्तान टीम पर भारी पड़ सकते हैं? आई थिंक पांड्या और विराट की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इस टाइम। सूर्या कुमार यादव जो है वो ए बी डिविलियर्स बने हुए हैं एशिया के, बहुत अच्छी अच्छी छोटे मारे 360 के नाम से भी उनको पुकारा जा रहा है कि चारों तरफ स्टेडियम के बड़े अच्छी अच्छी शॉटें मारते हैं, सो आई थिंक सूर्य कुमार यादव टफ दे सकता है। पर हमारे पास भी हमारा सूर्य कुमार यादव का कंपटीटर आ गया मोहम्मद हारिस, सो वो बड़े अच्छे तरीके से कम्पीट करेंगे। दोनों टीमें मेच्योरनेस से खेलें और दोनों टीमें फाइनल में आएँ और फिर फाइनल में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो वर्ल्ड कप ले जाएगा। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान मुझे ये बताएं पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का कल सेमीफाइनल है, तो क्या लगता है पाकिस्तान विन करके फाइनल्स में जा पाएगा? इंशाल्लाह, जैसा कि शुरू से नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान बाहर हो रहा था, फिर अंदर आ रहा था, फिर बाहर हो रहा था, अंदर आ रहा था, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल भी जीत के आएगा, कल इंशाल्लाह जीत जाएगा। क्या एक दो मैच जो है वो फॉर्म में खेलने से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप ले लेगा? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है ना कि पाकिस्तान की टीम जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, उनको कुछ गलतियां की हैं उन्होंने, फिर वो सुधारी हैं, तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से फाइनल भी पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अगर हम फाइनल की बात करें तो इंडिया का जो टीम है उनका भी मुकाबला पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा जंग चलती है इस मैच में पाकिस्तान इंडिया के, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान पर भारी नहीं पड़ सकते? नहीं पड़ सकते, क्योंकि वो पिछले जब सचिन तेंदुलकर था जो पहले प्लेयर थे ना धोनी, जब जितनी देर टीम में धोनी रहा है ना उतनी टाइम मेरे हिसाब से इंडिया बेस्ट ही रहा है, क्योंकि हम सारे मैच देखते हैं ऐसे, हम उसी को सपोर्ट करते हैं जो अच्छा खेलता है, ये नहीं कि वो मुसलमान मुसलमान आपस में भाई हैं लेकिन काफ़र भी भाई हैं, उसकी वजह ये है कि वो हमारे प्यारे नबी की उम्मत में भी वो भी हैं, उनको नहीं पता या जो भी मामला है उनके अलग हैं, वो भी भाई हैं हमारे, उनको भी सपोर्ट करते हैं। जितनी देर धोनी टीम में रहा है ना उतनी उनकी टीम बेस्ट रही है, तो मेरे हिसाब से ये आप देखें चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराया था, एक दो मैच पहले भी हुआ है, उस दिन जब वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का था तब भी पाकिस्तान जीत रहा था, जीता हुआ था, वन साइडेड मैच था, फिर हार गया, बस कुछ गलतियां कर ली उन्होंने कि आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया, स्पिनर को आखिरी ओवर कभी भी नहीं देना चाहिए स्पिनर को आखिरी ओवर, क्योंकि उसमें बड़ी शॉटें लगानी पड़ती हैं, बड़ी शॉटें स्पिनर को लग जाती हैं, वो तो रिस्क की था लेकिन उनको आखिरी ओवर नहीं देना चाहिए स्पिनर को बीच। क्या पैगाम देना चाहिए पाकिस्तान इंडिया की टीम के लिए? मेरे हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया की टीम के लिए क्या पैगाम देना चाहिए, मेरे हिसाब से जोश से खेलें और इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया।